जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देव की नंद की। हम माने न माने क्या फर्क पड़ता है, दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक जो भगवान को मानते हैं और एक जो भगवान को नहीं मानते हैं। एक बड़े दावे से कहते हैं कि भगवान मेरा है, एक बड़े दावे से कहते हैं भगवान नाम की कोई चीज नहीं। और ये अब से नहीं, ये सतयुग से चला रहा है। प्रहलाद जी मानते थे, हिरण्यकश्यप नहीं मानता था, त्रेता युग में विभीषण मानता था लेकिन रावण नहीं मानता था, द्वापर युग में कितने लोग मानते थे पर कंस जैसा, दुर्योधन जैसा, ऐसे लोग थे जो नहीं मानते थे। अभी कलयुग में आप जैसे लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, उनको मानने के लिए ही तो आप कथा पंडाल में आए हैं। और इसी करनाल में ऐसे भी लोग होंगे, जब आप कथा में आ रहे होंगे तो लोग कह रहे होंगे पागल हो गए हो क्या, जितने टाइम तुम 3 घंटे कथा में दे रहे हो उतना ही 3 घंटे पढ़ाई लिखाई में दो, अथवा कमाई में दो, अथवा घर संभालने में दो, तो तुम्हारे काम आएगा, कथा में जाके तुम्हें क्या मिलेगा। तो जो चीजें सतयुग से प्रारंभ है वो आज भी यहां उपस्थित है। फर्क सिर्फ इतना है, हमारा नाम मानने वालों में गिना जाएगा और उनका नाम न मानने वालों में गिना जाएगा। वो किस्मत वाले हैं जो मानने वालों में अपना नाम लिखवाते हैं, वो किस्मत वाले हैं माय डियर, वो किस्मत वाले हैं जिनका नाम ईश्वरीय आराधना करने वालों में आता है। हम तेरे हैं ये कहने वालों में आता है। जिंदगी तो एक शाम है जो ढल ही जाएगी, जिंदगी एक शाम है जो ढल ही जाएगी, किसी की रो के किसी की हंस के कट ही जाएगी। भूल जाते हैं लोग उन्हें जो कुछ करके नहीं जाते, जो हरि के बन के जाते हैं बस उन्हीं की याद आएगी। अभी बना, जो हरि के बन के जाते हैं बस उन्हीं की याद आएगी। जिंदगी एक शाम है जो ढल ही जाएगी, आज नहीं तो कल सबको अलविदा संसार से कहना ही पड़ेगा। लेकिन किस किस को याद करेंगे लोग, ये महत्वपूर्ण है। किस किस के कर्म ऐसे हैं जिन्हें याद किया जाएगा, वो महत्वपूर्ण है। मैं युवा भाई बहनों से कहना चाहूंगा, तुम्हारे पास स्वर्णिम अवसर है माय डियर, गोल्डन पीरियड है। इस समय का सदुपयोग कर लिया तो फिर रोना नहीं पड़ेगा और फिर मरना नहीं पड़ेगा, अमर हो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। अगर अमर होना है तो हरि का बनना पड़ेगा, और जो हरि के बन गए हैं उनका तो कहना ही क्या, आज भी आप और हम उनके गीत गाते हैं। सर्वेश्वर श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान, उदास चिंतित उदास मन से संसार के लोगों के बारे में, कलयुग के लोगों के बारे में चिंता कर रहे हैं, कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे हो। सर्वेश्वरी श्री राधा ने पूछा, आप उदास क्यों हैं, आप परेशान क्यों हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे लाडली जू, ये कलयुग के लोग बुरे कर्म कर करके बुरी योनियों में भटक रहे हैं, बुरे कर्म करते हैं, बुरा फल पाते हैं, फिर रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान होते हैं, दुख पाते हैं। ये जब दुख पाते हैं, भटकते हैं, तो मुझे भी दुख होता है। मेरे ही तो हैं, किसी और के थोड़ी ना है, मेरे ही हैं। और जब अपने दुख पाते, अपनों को कष्ट होता है। जीवात्मा कौन है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतल अमल, सहज सुख राशि।
ये जीव आत्मा ईश्वर का ही तो अंश है। ईश्वर की सत्ता अखंड है, मेरी आत्मा की सत्ता अखंड है। ईश्वर किसी भी कंडीशन में बाध्य नहीं है, आत्मा भी बाध्य नहीं है। जैसे कहा गया है ईश्वर के लिए आत्मा उसी का अंश है, वैसा ही है आत्मा, पर भटक गया है इसलिए दुख पाता है। रास्ता भटकने से कष्ट तो होता ही होता है कि नहीं, किलोमीटर लंबे हो जाते हैं, और किलोमीटर बताने वाले पत्थर ना हो तो, रोड पे कोई रोड समझाने वाला ना मिले तो, जंगल ही जंगल हो, फिर क्या होगा? भूख लगी हो, प्यास लगी हो, रास्ते में कोई व्यवस्था ना हो, फिर क्या होगा? उस समय सारे देवी देवता याद आ जाते। उस समय पैसे वाला होना किसी काम का नहीं रहता। पैसा जेब में है पर पैसा थोड़ी खाएंगे। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।